अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद वजीर हसन मुकोई, अल मुर्तज़ा बिल्डर काज़मी एसोसिएट के ज़ेर इंतज़ाम ये काम हो रहा है। ये कोल्ड स्टोर के ऊपर हमने इसको इन के थ्रू आउट सारा प्लस्तर कर दिए। सारा प्लस्तर करने के बाद हमने इसके ऊपर अब पाइप वगैरह रख के ऊपर पैनल रखने हैं और ये प्रोडक्शन हॉल के आउटसाइड सारी हमने वॉल वगैरह हमने लगा दी। ये इसका मशीनरी चल रही है, रगड़ाई कर हो रही है। तीन मशीनरी हमने लगाई हैं और इसकी ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है आपको। ये हमने थ्रू आउट जो नाली लगाई है बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशीने के लिए बेड बनाया हमने। और ये लाइन वगैरह लगाई है, इसके ऊपर मशीन ने रेस्ट करना है। इस की ब्लॉक की हाइट हमने 3 फुट रखी है जो हमारे पास लेवल है। कितने ज़्यादा ना फिर चाने ना पे ये उसके बाद प्लास्टर किया जा रहा है। ये पत्थर बिछाए जा रहे हैं, इसके ऊपर खाका आएगा और इसकी जो फिलिंग है वो हमने कंप्लीट करनी है। जगह कमज़ोर थी इस वजह से हमने जगह नीचे सारा पत्थर डाला है और ये आप समझें लोहा बना दिए हमने इसको। ये इनको सूत्र वगैरह बांध के दिए तो ये लेवल लगा रहे हैं, पत्थर बिछा रहे हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड है लेवल उससे ऊपर पत्थर ना आए।
ऐसे हमने 5 इंच नीचे जाना है, और जब रूलर चलेगा 1 इंच हमारा और बैठ जाएगा, हमारा 6 इंच कंप्लीट हो जाएगा। हमें टफ टॉयल से नीचे टॉप से टफ टॉयल के टॉप से हमें 6 इंच नीचे चाहिए, ताकि हमारी ऊपर टफ टॉयल और नीचे जो रेत वगैरह हमने डालनी है टफ टॉयल को बैठाने के लिए, उसके लिए जगह बन सके। ये हमारा जो एरिया होगा, ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आउट होगा और ये गार्ड रूम होगा। और इस एरिया से हमने इस जगह आर्जी तौर पे हमने एक रूम बनाया है, गार्ड रूम, ताकि काम अगर यहाँ से रोकना पड़े तो हमारे पास गार्ड रूम हो, और हम उस जगह अगर गार्ड रूम बनाती तो कल को हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता। एक तरतीब से हमने चलना है, तो हम यहाँ अपने लिए वर्किंग आसानी से हम कर सकते हैं। ये आर्जी तौर पे हमने इस वाल के ऊपर करके ये किचन के लिए सेटअप बनाया है सारा। ये तैयार छतें डाली हैं, किसी ने भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो तो वो रब्ता कर सकता है 0310-786-110-5, ये नंबर है। अल मुर्तज़ा बिल्डर, काजमी एसोसिएट, सिविल इंजीनियर। खुदा हाफिज़।